जिला पठानकोट के गांव फरीदानगर के लोगों ने आज इकट्ठे होकर थाना तारागढ़ के बाहर सड़क को जाम कर पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसके पीछे कारण बताया जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से घर से लापता हुई नाबालिग लड़की, जिसे कोई लड़का बहला फुसलाकर अपने साथ भगा कर ले गया था और पुलिस द्वारा कोई भी कार्रवाई ना किए जाने के चलते स्थानीय लोगों ने इकट्ठे होकर थाना तारागढ़ के बाहर रोड को जाम कर दिया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस बारे में बात करते हुए पीड़ित परिवार ने बताया कि उनकी नाबालिग लड़की को एक लड़का भगा ले गया था, जिसके ऊपर पुलिस की ओर से कोई सख्त कार्रवाई ना किए जाने के चलते धरना प्रदर्शन किया गया है। उन्होंने मांग की कि जल्द से जल्द उनकी बेटी को वापस उनके पास लाया जाए। वहीं इस बारे में जब DSP समीर सिंह से बात की गई तो उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार ने प्रदर्शन किया था कि जो लोग नाबालिग लड़की को भगाने में शामिल है उन पर भी कार्रवाई की जाए, जिसके चलते जो भी बनती कार्रवाई की जा रही है और नाबालिग लड़की को जल्द से जल्द वापस लाने में पुलिस पूरी तरह जद्दोजहद कर रही है। मेरा नाम अंजू वाला, मैं नंगल खरीदा की रहने वाली हूँ। मेरी बेटी शाइनल लोत्रा 10 दिनों तो किडनैप हो गई है, गायब हो गई है। स्कूल भेजी सी घरों, स्कूलों किडनैप हो गई है, तो मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। इतने मैं 10 दिनों की इतने खज्जल हो रही, कोई नहीं सुन रहा साढ़े। हूँ असी इतने मतलब धरना दिता है, फिर थोड़ी सुनवाई हुई है, परचा होया। कुड़ी की एज कितनी है? 16 साल 4 महीने की। अच्छा, किस स्कूल पढ़ते थे? कन्या सिंह सैलरी स्कूल तारागढ़ गवर्नमेंट स्कूल। हाँ जी सर, करवाई सी। की कहते सी पुलिस वाले? उन्होंने बोलिया भी थोड़ी बेटी हो, ये थोड़ा अपना भी फर्ज बनता बेटे चपेड़ा मारने सानू। सब अगो औखे हो के बोलिया, साड़ी कोई नहीं सुन, किसी ने नहीं सुनिया सानू। SHO मनजीत कौर ने भी नहीं सुनिया। हाँ जी मतलब भी मुड़ा कोई पता नहीं हैगा कि ना लीती है, ये हुण उन्हां दा फर्ज बनता पुलिस वाले सानू ती कुड़ी साड़ी थे लिया। FIR नंबर 7 आपां दित्ती सी अंडर सैक्शन 363-366 IPC पुलिस स्टेशन तारागढ़ च। इहदे च एक जिहड़ी नाबालग कुड़ी है वह मतलब किसी लड़के नाल चली गई सी, ते जिस च शिकायत यह आई कि लड़का उन्हें जबरदस्ती लैके चला गया, तो वह मुतलक वो जो पेरेंट्स उसकी फैमिली ने इत्थे धरना लाया सी। उन्हां दी रिक्वायरमेंट सी कि विच पुलिस जिहड़ी तफ्तीश आ वह सुचारू ढंग नाल करे, तो जल्दी तों जल्दी बंदिआं नूं अरैसट करे। तो आपां नूं आश्वासन दिता कि जिहड़े बंदे दोषी आ आपां नूं होर उन्होंने यह भी डिमांड सी कि कुछ होर बंदे च जिहड़े ओह जिम्मेवार है इस क्राइम दे, आपां नूं आश्वासन दिता कि आपां उन्हां ते वी बनदी कार्रवाई करांगे। तो नाल दी नाल ही अपना मेन जिहड़ी कोशिश है लड़की नूं रिकवर करन दी है। तो इहदे मुतलक मैं अपने जिहड़े SHO तारागढ़ है मैडम मनजीत कौर, उन्होंने इंस्ट्रक्शन दित्तियां कि भी तुसीं जल्दी तों जल्दी अपना लड़की नूं रिकवर करो। तो मैडम ने भी बड़ा स्विफ्टली काम करते हुए काफ़ी टैक्नीकल एनालिसिस करवा के CDR रिपोर्ट्स वगैरह भी आप हासिल की, लोकेशन वगैरह भी लड़के की चैक कर रहे हैं, स्पैशल टीम्स आप बनाई हैं, तो SSP साहब भी इनू बड़ा क्लोजली मोनीटर कर रहे हैं। तो आप बहुत ही जल्दी लड़की जो रिकवर कर लाँगे तो परिवार को इंसाफ दवा।